दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड कॉइन की जो कि आप सुने होंगे कहावत एड़ा बनके पेड़ा खाना। तो जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ एड़ा वर्ल्ड कॉइन यानी कार्डानो की। एंड यही नहीं, ये भी बताऊंगा पूरे वीडियो में बने रहोगे सीधा सीधा कि प्राइस क्या, किस किस हफ्ते में क्या हो सकता है क्लोजर प्राइस, जो मुझे लगता है मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहां से आने वाले जो भी बुल रन का ड्यूरेशन होने वाला है। यही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक रीजन सब कुछ बताने वाला हूँ शॉर्ट में, सिंपल में, ताकि आप समझ पाओ। एंड आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा उस लकी विनर का नाम जो पिछले वीक के गिव अवे का विनर बने हैं। एंड यही नहीं, अगर आप एडा से जो भी मैं मूव बताने वाला हूँ उससे अगर आप 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना तक कमाना चाहते हो तो किसी ऑल्ट कॉइन, नए ऑल्ट कॉइन में बेट लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ स्ट्रैटेजी से होता है, सब कुछ बता सकता हूं मैं, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तब। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और टारगेट जरूर पूरे करना मेरे इस वीडियो के ऊपर लाइक का। एंड मैक्सिमम कमेंट करोगे तो अगले लकी विनर आप भी हो सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो गाइस बिना डिले शुरू करते हैं आज का हम एडा का एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, कार्डानो का, कार्डानो बहुत ही एक अच्छा हाई मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन है, सबको पता है और आप लोगों ने बेसिक स्टडी पिछले कई बुल रन से अवेलेबल है, ये तो आपने बेसिक स्टडी किया होगा। अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर बेसिक स्टडी करके आइएगा। हाई मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन का मतलब होता है थोड़ा सा कम रिटर्न। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पे कार्डानो में इतनी हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपके इन्वेस्टमेंट को वो 4 गुना, 5 गुना या फिर उससे कई गुना बना सकता है ज्यादा, तो सभी लोगों का रिक्वेस्ट होता है कि फटाफट मुझे ना सीधा सीधा बता दो। तो देखो आज के इस वीडियो में मैं सीधा मैं आपको जो हूं प्राइस बताने वाला हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए कि क्या सेफ पॉइंट होगा, क्या हम सतर्कता बरत सकते हैं इन प्राइस प्रेडिक्शन के साथ इन आने वाले कमिंग मंथ्स में, तो जरूर जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अदरवाइज जिनको सिर्फ प्राइस चाहिए देख लो, लेकिन अपने रिस्क रिवॉर्ड को बिना समझे अगर करोगे एंड मार्केट में अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। कितना भारी पड़ेगा, मेरे पुराने वीडियोस जाके जरूर देख लेना जो रिसेंटली मैंने अपलोड किए थे बिटकॉइन के लिए, टाइम ड्यूरेशन एंड प्राइस प्रेडिक्शन। तो गाइस इससे पहले मैं इन डेप्थ समझाऊं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों मैं ये प्राइस प्रेडिक्शन कह रहा हूं, क्यों मैं देखता हूं इस हफ्ते से लेके आने वाले कई हफ्तों तक मार्केट को अप ट्रेंड में जाता हुआ, इन सब के बारे में इन डेप्थ मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले आपको ले चलता हूं चार्ट पे। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा है एक रनिंग चार्ट जिसमें जो है ग्रीन कलर का लाइन जो कि अभी नहीं दिख रहा बट दिखेगा, वो है हमारा एडा का पहला हल्विंग का पार्ट जो कि पूरा नहीं हो पाया था ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि एडा इन बिटवीन द बुल रन आया था। अगर आपको नहीं पता तो 2017 के जो है हमारे हल्विंग हिस्ट्री उसको जानिएगा। एंड उसके बाद हमने ऑरेंज लाइन से यहां पे डिनोट किया हुआ हमारा सेकंड हल्विंग, जो एडा के लिए सेकंड हल्विंग होगा 2020 का, एंड थर्ड हल्विंग यानी कि करंट हल्विंग की बात हो रही है, यानी कि ब्लू लाइन से डिनोट किया गया। ब्लू लाइन से जो भी प्राइस अभी तक हल्विंग से लेके अभी तक हो चुका है वो ब्लू लाइन से डिनोट हुआ, और जो प्रोजेक्टेड मैं देखता हूं यहां से इस हफ्ते से लेके आने वाले कई हफ्तों तक, कितने हफ्तों तक, 79 वीक्स तक। क्यों 79 वीक्स, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ, तो नहीं देखे हो तो जाके चेक कर लेना लिंक, मैं यहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये वीडियो जाके बिटकॉइन का टाइम साइकिल जरूर देखिएगा। तो यहां पे आपको दिखेगा कि एडा ने जो है काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिया था 2017 के रैली में भी, एंड उससे कम नहीं नापिएगा, कम नहीं आंकिएगा 2021 के बुलरन में। 2021 के बुलरन में भी बहुत अच्छा किया था एडा ने कंपेरेटिवली जो बाकी ऑल्ट कॉइन हाई मार्केट कैप के थे। तो यहां पे डेफिनेटली बिटकॉइन ने डिसअपॉइंट किया, एडा ने भी बाद में डिसअपॉइंट किया था, बट काफी अच्छा खासा हमने देखा है पास्ट के जो 2020 का रैली था, 2021 में जो पीक बनाया था अराउंड में सेप्टेम्बर के आसपास, बहुत अच्छा रैली दिखाया था एंड काफी अच्छा ग्रोथ दिखा था। और हम जहां पे बैठे हुए जिस जगह से हाल्विंग हुआ है 2024 में, एंड यहां से जो 79 वीक्स का मैंने डेटा आपको निकाल के दिया, उसमें मैं एक मेजर टर्निंग पॉइंट जो देखता हूं, देखो जनवरी के आसपास थोड़ा बहुत एंड मार्च के आसपास मेजर, एंड वहीं पे मेरा मेजर जो होगा सेफ साइड वाला जो टारगेट है जो कि आपको चार्ट पे दिख रहा है वो अराउंड में रीच होता हुआ दिखेगा, जो कि अप्रॉक्सिमेटली $3.5 के आसपास दिखा रहा है। ये बहुत ही सेफ एक टारगेट माना जाएगा मेरे हिसाब से, एंड जो हाईएस्ट मैं देखता हूं सेफ साइड अगर एक्सटेंड होता है बुल रन 79 वीक कंप्लीट करता है, फिर से मैं बता दूं इसके कंडीशंस अगर आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया और कंडीशन को नहीं समझा, नहीं पहचाना सही टाइम पे, तो एग्जिट नहीं कर पाओगे। जैसे हर बार बुल रन में पीक के आसपास लोग फंस जाते हैं 2-3 साल के लिए, वैसे ही फंस जाओगे आप भी। तो जरूर जो है ये 79 वीक का कॉन्सेप्ट जरूर जाके समझिएगा पहले। तो मैक्सिमम जो है मैं देखता हूँ सेफ साइड जो बेस्ट केस में हो सकता है वो अराउंड में $6.1 तक एडा का प्राइस हो सकता है, $6.1। और आज करेंट जो एडा का प्राइस चल रहा है वो अभी आपको $3.86 दिखेगा। तो गाइज ये $3.86 से मैं बात कर रहा हूँ $6 तक के प्राइस, एंड मिड रेंज में अगर देखें तो लगभग लगभग $3.5 के आसपास, यानी कि अप्रोक्सिमेटली 10x तो ऑलमोस्ट दिखा रहा है एडा का डेटा।
एंड अगर एक्सट्रीम केस में जो बेस्ट केस बेस्ट केस अगर हुआ तो वो मैं जो डेटा आपको दे रहा हूँ वो किस बेस पे दे रहा हूँ, अब इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझ लोगे ना तो डर चला जाएगा। ये जो अभी चार्ट आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये कार्डानो का ओवरऑल मार्केट कैप दिखाता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाता है, टोटल मार्केट कैप दिखाता है, मैक्सिमम सप्लाई दिखाता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे अनलॉक टोकन के कॉन्सेप्ट होते हैं, बट यहाँ पे आपको कई टोकन की डिटेल्स नहीं मिलेंगे। बट मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए देखा है इसका ट्रेंड कि हर महीने कितना एडा अनलॉक होता है, क्योंकि अभी 79.90% ही एडा का सप्लाई आया है मार्केट में, यानी कि आने वाले कई सालों तक ये अनलॉक होते रहेंगे, नए एडा मार्केट में आता रहेगा, तो उसका सर्कुलेशन सप्लाई पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो ये सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद जो मैंने एक आइडिया लिया, अप्रोक्सीमेटली टोटल जो करंट सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो अराउंड 36 बिलियन के आसपास दिखा रहा है, जो कि मैं देखता हूं अगर 79 वीक की जो है हालविंग डेट से कवर कर पाता है, और जो भी मैंने अभी प्राइस दिखाया वो सब वीक बाय वीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लेना बिटकॉइन का, तभी आपको समझ में आएगा ये वीक बाय वीक एनालिसिस मैं किस बेसिस पे निकाल रहा हूं। मैंने एक एस्टिमेट क्लोजिंग प्राइस निकाला है हालविंग वीक से लेके जो मैं बिटकॉइन का पीक सीजन देखता हूं वहां तक। आप माइंड में ले सकते हो, नहीं नहीं नवंबर दिसंबर चल सकता है, नहीं उससे पहले खत्म हो सकता है, मैंने आपको एक एवरेज केस बेस्ट केस बता दिया। इन सब के ऊपर इनडेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, तो जरूर जाके बिटकॉइन इथीरियम का जो है ओवरऑल वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहां पे आपको 35 बिलियन.96 यानी कि 35.954 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 36 बिलियन ऑलरेडी है, और मैं देखता हूं जो इसका प्रीवियस ट्रेंड रहा है पिछले एक साल डेढ़ साल का, उसके हिसाब से आराम से ये 37 बिलियन तक का मार्केट कैप बना सकता है। तो अब ये जो मार्केट कैप है इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट बहुत होता है, अगर समझोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन, अगर ये टोटल मार्केट कैप जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको आप सिंपल सा आप डिवाइड कर दो अगर करंट जो मार्केट कैप चल रहा है डाका, तो आपको करंट प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी के बेसिस पे जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है, ये ओवरऑल एडा का चार्ट है, लेकिन मैं एडा के चार्ट से जाने से पहले मैं वापस से इथीरियम का चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये इथीरियम के जो है एनालिसिस वीडियो में मैंने पूरा इनडेप्थ कवर किया हुआ है इसको, तो आपको ये शायद अगर चार्ट समझ नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में जरूर जाके चेक कर लेना। इस इथीरियम के चार्ट को काफी हद तक एडा जो है फॉलो करता है। अब मैं रिलेट करने के लिए आपको यहां पे एडा का जो है ओवरऑल दिखा देता हूँ ग्रोथ। ये एडा जो है ब्लू लाइन से जो दिख रहा है नीचे ओवरऑल अभी तक जो साइकिल रहा है एडा का, तो एडा मैंने कहा कि जो 2016 का जो बुल रन था ओवरऑल 2018 तक चला था, 2018 जनवरी तक मैक्सिमम कह सकते हो, दिसंबर ऑफिशियली खत्म था 2017, क्योंकि बुल साइकिल हमेशा बिटकॉइन के टर्म में बात की जाती है। तो यहां पे हमने देखा कि इथीरियम को फॉलो किया था, एंड इथीरियम ने जितना ग्रोथ दिया था उससे कई गुना ज्यादा है एडा ने दिया था, ये चीज माइंड में रखना। दोनों हाई मार्केट कैप ऑल्टकॉइन है, उस टाइम ये नया था। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे लगभग लगभग 4-5 हजार% के अराउंड में, 5 हजार% के अराउंड में ग्रोथ दिखा था। एंड वहीं अगर बॉटम से देखोगे तो सेकंड रैली में भी 2021 के रैली में भी लगभग 10 हजार नहीं, ऑलमोस्ट 11 हजार% का ग्रोथ दिखाया था। तो अब देखो बॉटम तो चला गया इस बार के बियर रन का, वो अगर आपने मिस किया है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हमें फॉलो कर लो टेलीग्राम पे एंड हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में, क्योंकि हम हर बार डिकोड करते हैं और पिछले दो साल से हम लोग जो है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जर्नी चला रहे हैं, तो हमने ये बॉटम भी पिक किया था। बट मैं बॉटम की बात नहीं करूंगा क्योंकि जो हालविंग है, हालविंग डेट से अभी तक जो एडा का मूव है, अब मैं वापस से एडा के साइकिल पे चलता हूँ, एडा के चार्ट पे चलता हूँ, एंड आपको रिलेट कराऊंगा कि एडा का जो ओवरऑल ग्रोथ है। अब मैं ये जो ब्लू लाइन है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ सो दैट आपको सिंपल सा समझ में आए। तो ये ओवरऑल का ओवरऑल जो है एडा का फर्स्ट बुल साइकिल का कर्व था, जो कि अप्रॉक्सिमेटली जो हाईएस्ट पीक गया था वो अगर मैं बात करूं तो 1.315 एक्सचेंजेस पे रिपोर्ट हुए थे, जहां पे आपको मान के चलो 1.3 के आसपास इजीली क्लोजर करने का मौका दिया था, 1.2 एंड $1 के आसपास बहुत देर तक मौका दिया, जो नहीं कर पाए उनकी बैंड बजा दी एंड 0.02 सेंट तक गिर गया था एडा, एंड फिर वहां से रैली पकड़ी एंड वहां से लगभग लगभग जो नेक्स्ट जो पीक बना है वो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट जो है मैं कहूंगा पीक की बात करूंगा अगर तो 2.96 ऑलमोस्ट $3 तक रीच कर गया था, 3.09 हाईएस्ट रीच किया था पिछले बुल साइकिल में, एंड ऑलमोस्ट क्लोजिंग 2.2 से लेकर 2.5 के बीच में काफी हफ्तों तक देने का मौका दिया, और जो नहीं कर पाए उनको वापस से बैंड बजाते हुए 0.24 तक गिरा दिया, एंड फिर से हमने रैली दिखाई और हमने यहां पे भी क्लोज किया था मार्च में पोजीशन। ऑलमोस्ट मैंने कहा था कि यार इस पोजीशन के लिए वेट मत करो, आप एटलीस्ट पोजीशन प्रॉफिट बुक जरूर करो। तो यही होता कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो तो आपको आइडिया मिलता रहेगा एटलीस्ट। एंड
अब जो है एडा में अभी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि यार और कितना गिर सकता है क्या नहीं गिर सकता। अब मैं ये इतना कहूंगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी, मंथली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे भी, एंड 3 डे के चार्ट पे भी, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज अभी भी है कि 0.27 तक आ सकता है वापस एडा। लेकिन यहां से जो रैली शुरू हो रही है ना, ये रैली जो मैंने अभी आपको वीक बाय वीक एनालिसिस दिया, वो मेरा एक पूरा मैंने आपको शो कर दिया, अगर मिस किया तो वापस से रिवाइंड करके देखो, वीक बाय वीक मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिया था। अब यहां पर मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया बता देता हूँ कि एडा क्या इस बार भी ग्रो करेगा। तो एक चीज फोकस करना, पिछले साइकिल के अराउंड में 1 पॉइंट जो है पीक 1.3 के आसपास रहा था, एंड सेकंड साइकिल में लगभग लगभग $3 के आसपास, यानी डबल से ज्यादा। एंड इस बार जो है पिछले साइकिल का ऑलमोस्ट $3 है, तो $6, तो एक अप्रॉक्स फिगर $6 इज वेरी सेफ। बट ये कितना फिजिबल है, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई तो बहुत ज्यादा है ना एडा का, एंड मार्केट कैप कितना आ पाएगा क्या? तो मैं सीधी सीधी सी बात करूं तो मार्केट कैप चार्ट पे चलते हैं, एंड एक्सपेक्टेड जो रेंज मुझे लग रहा है एडा का बहुत सेफ साइड से, अगर मैं देखूं तो 161 बिलियन हमारा मिड साइकिल तक पहुंच सकता है, जो कि पिछले बार भी पहुंचा था एंड वहीं के आसपास करेक्शन मिला था। तो इस बार 160 बिलियन के आसपास, पिछले बार का जो जो मार्केट कैप था एडा का पीक, वो ऑलमोस्ट 103 बिलियन के आसपास था। इस चीज को अंडरएस्टिमेट मत करना, मैं बहुत कम करके आंकड़ा बता रहा हूं। 1.61 इज वेरी सेफ एरिया, एंड अगर वहां तक जाता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फरवरी मार्च के आसपास, तो आराम से $4.8 के आसपास प्राइस दिख सकता है। एंड जो मैक्सिमम जा सकता है, जो कि प्रीवियसली जा चुका है, ऐसा होगा तभी जब बिटकॉइन का एक्सटेंडेड साइकिल चलेगा टिल एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, यानी 2025 अक्टूबर तक 79 वीक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, तब ये पॉसिबल है। एंड 250 बिलियन का मार्केट कैप एडा के लिए पॉसिबल है। अगर आपको मार्केट कैप समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे से रिक्वेस्ट करो, मैं पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप का एक आइडिया देता हुआ चला जाऊंगा कि इस बार पूरे बुल रन में क्रिप्टो का मार्केट कैप कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लास्ट बुल रन 3 ट्रिलियन इज द मैक्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्स डेटा, जो कि टोटल मार्केट कैप था, और उसमें से एडा ने 100 बिलियन का मार्केट कैप कैप्चर किया था। तो इस बार कितना करेगा, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड कमेंट बॉक्स से याद आया, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि पिछले वीडियो में जो भी गिव अवे के विनर होंगे, आज के इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा उनका नाम, और 500 रुपीज वो जीत पाएंगे। तो आराम से 250 बिलियन जा सकता है। एंड अगर जो सर्कुलेशन सप्लाई जो मैंने आपको बताया, जो भी एडा जितने भी मार्केट कैप में उतरेंगे उस टाइम तक 79 वीक तक, तो अप्रॉक्स डेटा देखो, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, टेक्निकली अगर जाऊं तो 7.8 बन रहा है, बट अगर पिछले बार भी देखोगे तो 2.61 का फैब लेवल कवर नहीं कर पाया था, और इस बार भी शायद ना कवर कर पाए, हो सकता है इस बार काफी दूर रह जाए। तो $4.8 बहुत सेफ है, यानी कि एडा करेंट प्राइस से आराम से 10x करेगा, एंड ये हाई मार्केट कैप है, तो ये वन ऑफ द सेफ ऑल्ट कॉइन है। एंड क्या 100% करेगा? नहीं यार, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, यहां पे रिस्क कम है, रिस्क यही है कि यार ये वापस से इसी जगह पे 2-4 हफ्ते घूम सकता है। एंड एक चीज और बताता हूं चलूं, कि अभी टोटल हालविंग के इस हफ्ते मिला के अगर देखूं तो लगभग लगभग 18 हफ्ते हो गए हैं, 22 हफ्तों तक चांसेस होते हैं कि बॉटम बना सकता है। तो स्टिल जो आपको ग्रोथ दिख रहा, हो सकता है कि अगले वीक, आने वाले 2 वीक में 3.4 के आसपास वापस से एडा गिरता हुआ दिखे, बट इट डज नॉट मीन कि आप मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो करूंगा। एंड अगर आप लोगों को जानना है कि अगर एडा 10x सेफ साइड करता है, यानी कि यहां से भी अगर प्राइस देखोगे $4.8 के आसपास, तो लगभग लगभग 1100% बनता है, 1100% यानी कि 12 गुना होता है, 10 गुना नहीं 12 गुना होता है गाइस। एंड यही कमाल है, अगर इस चीज को आप समझ गए ना, 12 गुना बहुत होता है। आप बोलोगे मुझे तो 100x वाला कॉइन चाहिए, तो मैं आपको एडा का फॉर्मूला बता सकता हूं कि एडा में आप 100x 200x कैसे बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग का कोई स्ट्रैटेजी आना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को WMC रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ये डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिप फाइनल डिप है, ठीक है। और जो अगर लगता भी है बुरा हाल में, तो स्टॉप लॉस कहां हो सकता है, सब कुछ पता चल जाता है पहले से। और ये बात अभी नहीं, क्योंकि ये हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने मार्च के मंथ में बोल दिया था कि गाइस प्रॉफिट बुकिंग करो, ऑल दो सप्लाई एरिया इज नॉट स्ट्रांग जहां से गिरता हुआ दिख रहा है एडा, बट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का अगर मैं देखता हूं डिमांड एंड सप्लाई, तो वो फुल दिखा रहा है कि बॉस क्लोज करो पोर्टफोलियो। एंड ये उसी का रीजन है कि आप अगर वहां पे भी पोर्टफोलियो क्लोज करते तो ऑलमोस्ट 60% अपना सेव कर पाते, 66% डाउन है अभी एडा, जो बॉटम बनाया था। एंड अभी जो है अराउंड में उसमें थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा है, एंड ऑलमोस्ट कहूं तो लगभग लगभग 50-55% के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी कि डाउन में। तो आप अगर सही टाइम पे क्लोज कर लो ना, तो री एंट्री मारो एंड आराम से करो। तो मैंने आपको बोला कि इसी रैली में, इस रैली में जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगले 9 महीने में कम से कम मुझे दिख रहा है यहां पे एडा करंट प्राइस से भी, करंट प्राइस से भी आराम से 10x कर सकता है, 10x से ज्यादा कर सकता है। और जो मैंने एक्सपेक्टेड पीक दिखाया ना, वो भी फूक फूक के बता रहा हूं, उसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसे ही नहीं ले आया हूं नंबर रेंडम सा उठा के। जो भी प्राइस मैंने बोला है, क्लोजिंग प्राइस बोला है, वहां पे प्रॉफिट मेकिंग आप आराम से करने का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है हाई बना के खत्म हो जाए।
बहुत चांसेस है कि अड्डा उससे ऊपर चला जाए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। हो सकता है आप नींद में हो सकता है आप बाइक चला रहे हो, सकता है आप ड्राइव कर रहे हो, सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, सकता है कुछ भी कर रहे हो, जब तक वापस में आओगे तो अड्डा का क्लोजिंग प्राइस आपको वहां तक मिल सकता है। लेकिन कंडीशन वही है जो बिटकॉइन पे बोला वो होना चाहिए, इथेरियम पे जो बोला है वो होना चाहिए, क्योंकि अड्डा इज मोर रिलेटेड टू इथेरियम। ऑल्दो थोड़ा सा चेंज हमेशा हर ऑल्टकॉइन में होता है, बस आइडिया लेना होता है। तो कैसा लगा आज का एनालिसिस जरूर बताएगा, एंड मैंने बहुत शॉर्ट में आपको सिंपल में सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिया। मैंने आपको बोला मार्केट कैप भी बता दिया, आपको जो ओवरऑल जो उसका सर्कुलेशन सप्लाई उसका भी इंपैक्ट बता दिया, आपको फैब लेवल पे भी एनालिसिस बता दिया, आपको बिटकॉइन के हिसाब से जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से भी बता दिया, एडा का जो रिलेशन है इथेरियम के उसके बेसिस पे भी बता दिया। और एक बात मैं जरूर बताता हो जाता हूं, ये प्राइस की से प्यार मत करना, आपको मूव से प्यार होना चाहिए। ट्रेडर का काम होता है परसेंटेज कैप्चर करना, और मैंने बोला ना कि ये 10x भी करता है। देखो 20x छोड़ दो, अगर यहां से $6 के ऑलमोस्ट चला गया तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 16-17 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर 10x भी दे रहा है ना बड़ा लार्ज ऑल्टकॉइन, इसमें बड़ा पोर्टफोलियो आप डाल सकते हो, इसमें बड़ा चंक आप अपने इन्वेस्टमेंट का डाल सकते हो, क्योंकि हाई मार्केट कैप में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी कम मिलता है, लेकिन एडा फिर भी वॉलेटाइल है, आराम से वीक बाय वीक जो है ना आराम से 18-20-25% के गेन देते हुए दिखेंगे बुल रन में ये, एंड वो भी कंसेक्यूटिव, और इसी टाइप का ड्रॉप भी मिलता है, 20-20% का कैंडल ड्रॉप का भी मिलता है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ये सब हो चुका है, तो आपको सब कुछ समझते हुए करना है इन्वेस्ट। एंड अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं यूट्यूब पे तो नहीं, क्योंकि ये मेरा जो है मैं काफी दिनों से यूज करता हूं स्ट्रेटेजी, किसी भी ऑल्टकॉइन में अगर 5x या 10x का मूव आया उसमें भी आप कैसे बुल रन को राइड करके 100x या 200x उससे भी ज्यादा बना सकते हो, और वो भी लिमिटेड रिस्क के साथ, तो जरूर जो है आप हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी से जुड़िए। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे पहले आएगा वीडियो, एंड उसके बाद क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर ऑफलाइन वीडियो आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों से पोल पूछा है, जाके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे वोट कीजिए, और मैं आपको वही जो एडा जो मूव दिखाने वाला है ना, इसको कैसे कैप्चर करके आप $100 को 10x 20x नहीं 100x बना सकते हो एडा के मूव कैप्चर करके। लेकिन हाँ, उसके लिए ट्रेडिंग आनी चाहिए, और ट्रेडिंग में आपके पास स्ट्रैटेजी पे भरोसा होना चाहिए, और रिस्क ये है कि अमाउंट जो भी आप लगाओगे जीरो हो सकता है। तो अगर ये सब चीजें मानते हो, जानते हो, और कैसे आप $100 को मतलब $100, $200, $300 अगर देखो 20-25 हजार रुपए लगा के 20-25 लाख बनाने की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ गाइज, तो ये हवा हवाई नहीं है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग आपको क्लेम करेंगे कि यार 100x ऑल्टकॉइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ो, अगर 5x 10x हो रहा है ना कोई हाई मार्केट कैप कॉइन, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें आपके रिस्क फैक्टर कम है। तो जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब आज के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं हमारे पिछले वीडियो के गिव अवे में, जो विनर है उनका नाम जानने के लिए। बट उससे पहले मैं फिर से याद दिलाना चाहूं कि आप हमारे WMC स्ट्रैटेजी, अगर आपको बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड करना है बिना किसी इंडिकेटर के तो बहुत अच्छा है। एंड क्विक मोमेंटम स्ट्रैटेजी में आपको डिमांड एंड सप्लाई नहीं आता, फिर भी आपको हम इंडिकेटर के हेल्प से थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं। इंडिकेटर थोड़ा स्लो होता है तो WMC फास्ट है, इंडिकेटर थोड़ा स्लो है, लेकिन इंडिकेटर का फायदा यह है कि जो आम इंसान भी जल्दी रिलेट कर पाता, तो ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इससे भी आप कर सकते हो। एंड तीसरी बात, आप कुछ नहीं करना, बेसिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड पे फोकस कीजिए, 4-5 घंटे का ट्यूटोरियल है, अगर जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे वीडियो में तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा मिला के 5 घंटे का वीडियो होगा, ऑलमोस्ट 5 आवर्स में आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो बुल रन में, ठीक है। और यही नहीं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड में मैं बियर रन में कैसे होने वाला है सारा कुछ मैं सबसे पहले लाइव इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर डिस्कस करूंगा, एंड फिर उसमें से कुछ सेलेक्टेड वीडियोस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर डालूंगा दिसंबर ऑनवर्ड, एंड नवंबर 2024 ऑनवर्ड हम लोग यहां पे बियर रन की तैयारी करेंगे। तो हम लोग बहुत 6 महीने पहले एडवांस में चीजें करते हैं, 1 साल पहले चीजें करते हैं, तो आप भी करना चाहते हो तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बात करता हूं हमारे लकी विनर का नाम, जो पिछले एक वीक में एक ही वीडियो आया, तो बहुत ईजी है कि हम उसको वीडियो को पिक करते हैं। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारे वीडियो जरूर देख लेना, हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पिन कमेंट में डाल रखा है, वो रिकमेंडेड है, लेकिन उसमें बहुत सारे वीडियोस है क्योंकि वो 2-2.5 साल से वीडियोस आ रहे हैं उसमें। बट आप अगर इमीडिएट देखना चाहते हो तो अभी जो से जो करंट प्राइस और मार्केट में जो भी रिलेशन बन रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टकॉइन का, वो मैं दे रहा हूं, एंड आज ही सीरीज में एडा का किया हूं। अगले ऑल्टकॉइन क्या होने वाला है टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों ने पोल पे बता रखा है, तो अगला वीडियो भी आएगा। बट पिछले वीडियो में जितने भी लोगों ने, मैं देखो यार लाइक नहीं बोलता हूं वीडियोस में, लेकिन ये लाइक नहीं करोगे ना तो मोटिवेशन कम हो जाता है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर दिया करो यार, इतना तो कर ही सकते हो, फ्री का सर्विस दे रहा हूं, कोई चार्ज तो कर नहीं रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बॉस ऐसा हो ही जाना है, मैं सब कुछ बताता हूं, रिस्क फैक्टर भी बताता हूं, रिवार्ड फैक्टर भी बताता हूं, ड्यूरेशन भी बताता हूं, वो भी एडवांस में बताता हूं, जो मूव 6 महीने बाद होने वाला है वो पहले बताता हूं। तो यार इतना सपोर्ट कर दो कि चैनल को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो आप जरूर हमारे मोटिवेशन बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
एंड मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अब मैं बात करता हूँ पिछले वीडियो के विनर का, इस प्लेलिस्ट में देख लो कितने सारे वीडियो ऑलरेडी है और ये वीडियो लगा के 20th वीडियो आ चुका होगा। तो अब मैं चलता हूँ सीधा वेबसाइट पे एंड पिछले वीडियो का लिंक डालते हैं और देखते हैं कौन होगा इस वीडियो के गिव अवे का विनर। और इस वीडियो में अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आप भी 500 रुपीज नेक्स्ट यू नो नेक्स्ट वीकेंड जब हम डिस्क्लोज करेंगे तो आप भी जीत सकते हो। तो जिनका भी नाम आएगा जरूर एक्शन लीजिएगा, नहीं तो फिर आप यार जीत के भी फिर नहीं एक्शन लोगे तो क्या फायदा। तो अब मैंने डाल दिया है एंड ये है वीडियो, एक विनर हम सेलेक्ट करेंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है इतने सारे कमेंट्स में से कौन सा कमेंट सेलेक्ट होता है। तो लेट्स सी, जिनका भी कमेंट सेलेक्ट होगा वो होंगे आज के लकी विनर। उनको क्या करना, हमें हमारे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपना हाई मैसेज डालिएगा एंड ये बताइएगा कि आज आप जीत चुके हैं। तो आज के जो लकी विनर है कुणाल नागर 3643 आईडी से आया है, इनका कमेंट में लिखा है 5th कमेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पांचवा कमेंट डालने के लिए कुणाल जी, आपको 500 रुपीज मुबारक। आपको क्या करना, आपको सिंपल से जाना है हमारे इस वेबसाइट पे इंस्टाग्राम पे, हाई कीजिएगा एंड लिखिएगा कि मैं इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड डाल दीजिएगा कि मैं लकी विनर हूँ एंड देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू कि क्या करना है। मैं आपको UPI आईडी से आपको शेयर कर दूंगा आपके 500 रुपीज INR। जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे उतनी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से रिस्पॉन्स। तो अगले वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप भी इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपना व्यू भी बताते चलिए कि मैं जो भी बताया हूँ आपको कैसा लगता है हमारा एनालिसिस, एडा के बारे में आपका क्या ख्याल आता है। एंड यही नहीं, अगला कौन सा वर्ल्ड कॉइन आप चाहते हो पोल में डाले सो दैट आप उसको सेलेक्ट कर पाओ उसकी प्रायोरिटी को, तो सारा कुछ लिखिएगा और बने रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।